स्पॉन्सर्ड बाय द गुरुकुलम इंटरनेशनल रेसिडेंशियल स्कूल, बेहतरीन हॉस्टल की सुविधा, फैशन मॉल, अब पाएं 1500 तक की जींस सिर्फ 600 में, सिंह मार्बल एंड सैनिटेशन। आज एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है। इसे एक माँ की ममता का दोष कहें या फिर माँ की मजबूरी, समझ नहीं आता। जी हाँ, बात कर रहे हैं गढ़वा सदर अस्पताल की, जहाँ के बाथरूम में एक नवजात बच्ची पाई गई है। बच्चा किसका है यह अभी तक कोई नहीं बता पा रहा, लेकिन पूरे अस्पताल परिसर में यह चर्चा होने लगी कि लड़की होने के कारण किसी ने अपना बच्चा अस्पताल के बाथरूम में छोड़ दिया। दोपहर को खबर सुनते ही पूरे अस्पताल में हड़कंप सा मच गया। अस्पताल कर्मियों को जानकारी मिलने के बाद बच्ची को चाइल्ड यूनिट केयर में रखा गया है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर बेटी बचाओ के नारों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। इधर गढ़वा सदर अस्पताल के सिविल सर्जन इनके रजक ने बताया कि यह बच्चा बाहरी है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में जन्मे सभी बच्चे अपने परिवार के साथ हैं। आखिर अस्पताल के बाथरूम में किसने और क्यों बच्चा रखा, यह जांच का विषय है। हालांकि इसकी सूचना थाना और CWC को दे दी गई है। CCTV फुटेज भी खंगाली जा रही है। बाथरूम में एक नवजात बच्ची मिली रोते हुए, तो सिस्टर उसको उठा करके उसके माँ को खोज किया गया तो नहीं मिला, तो अभी हम लोग उसको लेबर रूम में साफ सुथरा करके उसको रखे हैं। उसको वार्मा में का इलाज चल रहा है, पेडियाट्रिशियन देख लिया, लेडाटर भी देख लिया, और उसके लिए थाना में भी आवेदन दे दिया गया और CWC को भी आवेदन दे दिया गया। बच्चा का जानकारी नहीं है किसका है, पता नहीं चल पा रहा है।